ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बता दें आपको कि आज नए डीजीपी जो हैं वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह अपना कार्यभार संभालेंगे। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आरपीए में विदाई परेड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कपिल गर्ग को यहां पर सलामी दी जा रही है। और साथ ही इस कार्यक्रम के बाद आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे यहाँ पर डीजीपी जो हैं भूपेंद्र सिंह यादव अपना पदभार संभालेंगे, उसके बाद संदेश देंगे और 1 तारीख से वो अपना पद भी संभाल लेंगे। तो ये कपिल गर्ग के सम्मान में सलामी परेड का कार्यक्रम है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो नए डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव की बात करें यहां पर, तो इसके संकेत फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दिए थे और अब डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव का नाम भी जो है वो भी फाइनल हो गया है। कि राजस्थान सरकार की बात अगर करें यहां पर, तो कपिल गर्ग आज रिटायरमेंट है उनका। और नए डीजीपी की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह यादव जो हैं वो नए डीजीपी का आज वो पदभार संभालेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कपिल गर्ग के सम्मान में यहाँ पर सलामी परेड रखा गया है और यहाँ पे जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिस तरीके से नए डीजीपी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव की बात करें तो उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 6 महीने का उनका कार्यकाल रहेगा और इस 6 महीने के कार्यकाल में उनके सामने बहुत ऐसी चुनौतियां हैं जिनको पार पाना है। और जिस तरीके से अगर क्राइम की बात करें, उसकी ग्राफ की बात करें, तो उसको कैसे अंकुश लगाना है उसको भी लेकर उनके पास समय बहुत कम है, लेकिन चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पर। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आरपीए में विदाई परेड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कपिल गर्ग को यहाँ पर सलामी दी जाएगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कपिल गर्ग जो हैं आज वो रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायरमेंट में ये विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और इस कार्यक्रम में तमाम वो दिग्गज हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। तो उनके कार्यकाल को कैसे यादगार बनाया जाए उसके लिए यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कपिल गर्ग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब इन्हें सलामी दी जाएगी, इनके कार्यकाल को याद किया जाएगा और इनके कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो भी की गई हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह, अब तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कपिल गर्ग जो है पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, कपिल गर्ग पहुँच चुके हैं और उन्हें सलामी दी जा रही है और सभी अधिकारी जो है उनके सम्मान में जो है खड़े हैं और ब्रेन वादन के साथ उन्हें सलाम दी जा रही है। राम सिंह, अगर बात करें, बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से यहाँ पर सलामी दी जा रही है और बात यहाँ पर ये करें कि उनके कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। उनके कार्यकाल याद यहाँ पर बनाने के लिए जो ये विदाई की परेड है और उसमें खास इंतजाम किए गए हैं और उनके उनको बड़े सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है। पुलिस में जो पुलिस जो कर्मी हैं और अफसर हैं उन्हें बड़ा बड़े आसानी से कि उनके कार्यकाल में बड़े काम हुए और उसके लिए आश्वस्त है और उन्हें उम्मीद है नए डीजीपी के लिए भी कि नए डीजीपी जो है बड़े काम और जो पुलिस सामने जो चुनौतियाँ हैं और उनको जो है हाथ में लेंगे और पुलिस को जो है पूरा उन योजनाओं और उनको अंजाम देंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर बात करें राम सिंह, तो कपिल गर्ग के लिए जो चुनौतियाँ उनके सामने थी, उन्होंने बजरी माफियों के लिए जिस तरीके से लगातार वो एक्टिव नज़र आ रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने एक टीम बनाई है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और जिस तरीके से अलवर गैंगरेप का मामला भी सामने आया था उसमें भी कपिल गर्ग ने कहा कि ये जो लापरवाही देखने को मिली है उनके खिलाफ जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये एक उपलब्धि है उनके लिए। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा आप ये देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, डिकोई ऑपरेशन, जो व्यवस्था और उन्होंने अचानक जो है जहाँ पे प्रॉब्लम रहती है और अचानक निरीक्षण करके डिकोई ऑपरेशन तक कई जो गड़बड़ी है उनको पकड़ा और जो सूची में कोताही बरतने वाले हैं या कई अपराधी हैं उनको जो है डिकोई ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया। ये हर जिलों में
हर जिलों में चलाया गया ऑपरेशन और बड़ी कार्रवाई भी हुई इस ऑपरेशन के तहत। ये डीजीपी गर्ग की ही योजना थी। इसके अलावा सबसे बड़ी यह है कि पुलिस मित्र जो है उनके कार्यकाल में उनका यह दिल के करीब थी पुलिस मित्र योजना। और अब कोई भी आम आदमी पुलिस का मित्र बन सकता। अभी तक क्या है कि ये सीओ जी तक की पुलिस सुनती हुई थी, अब हजारों लाखों लोग भी जो है पुलिस के मित्र बन चुके होंगे। उन्हें सिर्फ पुलिस ऑनलाइन लॉगिन करना होगा और कोई भी आम आदमी या डॉक्टर हो या किसी भी श्रेणी के लोग हो वो ऑनलाइन से अपना आवेदन करके और पुलिस मित्र बन सकते हैं। बिल्कुल राम सिंह, बिल्कुल राम सिंह, अगर यहाँ पर बात करें तो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। अभी क्या कुछ वहाँ चल रहा है? अभी जो है ये विदाई दी जा रही है, उनको जो है सलामी की दी जा रही है और एक वाहन में जो है उनको एस्कॉर्ट में ये सम्मान दिया जा रहा है और बैंडवादन के साथ उन्हें आप देख रहे हैं कि पूरे सम्मान के साथ उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बिल्कुल राम सिंह, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से परेड किया जा रहा है और यहाँ पर सलामी दी जा रही है कपिल गर्ग को। और आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, दरअसल आज कपिल गर्ग की विदाई समारोह है और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ये परेड की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कपिल गर्ग जो है वो परेड कर रहे हैं और इन्हें यहाँ पर सलामी दी जा रही है। बिल्कुल, अभी इसके बाद अब ये कार्यक्रम चालू होगा और उनके कार्यों को सराहा जाएगा और आगे जो इसके कार्यक्रम के जो बिंदु है उन्हें एक एक हर पे उन्हें जो उसको फोकस किया जाएगा। और मैं जो वर्तमान जो डीजीपी है कपिल गर्ग हैं उनके कार्यकाल और उसे एक एक करके में बताया जाएगा और उनके कार्यों को सराहा जाएगा इस फंक्शन में। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर बात करें राम सिंह तो वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं कपिल गर्ग की जो आज याद की जाएंगी? मोटे मोटे रूप से चार बड़ी उपलब्धियां हैं उनकी, जैसे सबसे बड़ी इनकी वो है पुलिस मित्र योजना है और डिकोई ऑपरेशन इन्होंने चालू किया है और पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर के उन्होंने कदम उठाए हैं और FIR जो है वो ऑनलाइन करने का जो प्रावधान इनके कार्यकाल में चालू हुआ है। परिवाद जो है वो भी ऑनलाइन दर्ज हो सकेंगे, अब पुलिस थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और इसी के साथ ये है कि अब जो अनुसंधान अधिकारी है जो जांच करते हैं प्रकरण मुकदमों की वो सीधा जो है ऑनलाइन हो गई है केस डायरी और उसमें गवाहों के जो बयान है गवाहों के बयान है वो उनके वीडियो बन सकेंगे और वो सीधा कोर्ट में पेश होंगे और आने वाले समय में कोर्ट के साथ लिंकअप किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से कि वहाँ पर भी इस तरह सॉफ्टवेयर हो तो सीधी केस डायरी जो है वहाँ पे ऑनलाइन चली जाए और पूरी फाइल जो है ऑनलाइन चली जाए और पेपर से जो बड़ा कार्य रहता है उनके वजह से मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि केस डायरी में कहाँ छाँट नहीं हो सकेगी, ये बड़ी आयोजन शिकायत मिलती थी केस डायरी में जो है कहाँ छाँट हो गई ये हो गई वो अब इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और पुलिस की जो व्यवस्था है नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी पुलिस में। बिल्कुल राम सिंह, अगर यहाँ पर ये बात करें कि कपिल गर्ग के साथ जो उनके साथी हैं जो जिन्होंने इनके साथ काम किया है क्या उनसे आपकी कुछ बात हो पाई है, वो इस पल को कैसे देखते हैं?
जी बिल्कुल, उनके साथ जो काम करने वाले अधिकारी डीजीएम के जो अधिकारी हैं, अभी राजीव दासोच भी यही हैं, एमएल लाकर भी यही हैं, और डीआईजी स्तर के हैं, और आईजी स्तर के से भी अधिकारी मौजूद है, और सभी उनके कार्यकाल को बड़ा सराह रहे हैं कि समय में पुलिस को पुलिस ने जो है बुलंदियां छुई है, और नए डीजीपी से भी उन्हें उम्मीद है कि और नई जो जो लंबी काम है पुलिस के वे उन्हें अंजाम देंगे, वो आसान भी तो है नए डीजीपी को लेकर। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से परेड किया जा रहा है और यहाँ पर कपिल गर्ग को सलामी दी जा रही है। दरअसल आज जो है कपिल गर्ग का रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट की बात करें यहाँ पर तो आज विदाई समारोह है, और इस समारोह की बात करें तो यहाँ पर तमाम वो तैयारियाँ की गई हैं जिससे उनके कार्यकाल को याद किया जाए, और कई ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो आज गिनाई जाएंगी, और यहाँ पर कपिल गर्ग को सलामी दी जा रही है, और इसमें सम्मान के साथ आज विदाई समारोह मनाया जाएगा, और ये शाम 4 बजे विदाई समारोह का कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम वो दिग्गज हैं, जो तमाम अधिकारी हैं वो इस समारोह में मौजूद रहेंगे। दरअसल आज ये भी है कि नए डीजीपी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव जो है अपना पदभार संभालेंगे, और पदभार संभालने के बाद ही वो आगे की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी करेंगे, और उस प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 6 महीने का उनका कार्यकाल रहेगा जिसमें कई चुनौतियों को पार पाना है, और अगर राजस्थान की बात करें तो इधर जो क्राइम के ग्राफ को देखते हुए उसको कैसे अंकुश लगाना है, कई बड़ी चुनौतियाँ उनके सामने भी देखने को मिल रही हैं। तो आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आज जिस तरीके से नए डीजीपी की बात करें तो नए डीजीपी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को यहां पर बनाया गया है, इसके संकेत जो है फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दिए थे, और आज नए डीजीपी के तौर पर भूपेंद्र सिंह यादव जो हैं अपना पदभार संभालेंगे, और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आरपीए में विदाई परेड दी जा रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम सिंह अगर बात करें तो अभी वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? वहां पे अभी उन्हें परेड दी जा रही है और सलामी दी जा रही है, और सैन्य वाहन के साथ उनका सम्मान किया जा रहा है, और ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर मूल जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, उनके कार्यों को सराहने के लिए जो है जो अधिकारी हैं वो बताएंगे कि उनके कार्यकाल में क्या क्या रहा, और उसी के साथ कार्यक्रम लगभग 1 घंटा तक चलेगा और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होगा। जी तो ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परेड किया जा रहा है, और कपिल गर्ग के सम्मान में ये सलामी परेड किया जा रहा है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आज कपिल गर्ग का आज रिटायरमेंट है, और अब राजस्थान में सलामी से अपना 4 माह का बेसिक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। परेड के सभी हुए कदम अनुशासन, सेवा, समर्पण एवं स्वाभिमान को परिलक्षित करते हैं। गाते हैं हम मधुर रागी अमन भरे संदेश की, सींचेंगे जीवन देकर आजादी अपने देश की। कोई पदचिन्ह बनाता है, वही
ही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। इन पंक्तियों को वास्तविक तौर पर सर आपने अपने जीवन में चरितार्थ किया। There are heroes who walk among us, never looking for glory or place. They don't seek recognition for their thoughtful care.